Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Exposed India. Keep watching. उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान के समापन में प्रेस वार्ता की और प्रदेश में चलाए जा रहे नारी सशक्तिकरण अभियान के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि अभियान में सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, रोजगार एवं शिक्षा का समावेश होना चाहिए। साथ ही गांवों और जिलों में जाकर अभियान के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता का काम भी किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान हमारे रिपोर्टर ने रीता बहुगुणा जोशी से खास बातचीत की। नारी सशक्तिकरण अभियान का आज समापन हुआ है, हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी जी। मैम, क्या आज ये कार्यक्रम था, किस चीज का ये समापन किया? देखिए, महिलाओं की आवाज बुलंद हो, महिला सशक्त हो, ये हमारे केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की और योगी जी का की पहल है और उनका संकल्प है। तो हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नवीन प्रयोग किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण अभियान करना चाहिए, जहां महिलाओं से हम मिलें, लाभार्थियों से पूछें कि जो उनको योजना मिली उसका क्या लाभ उनको हुआ और क्या बेहतर हो सकता है। तो इसके लिए ये चलाया गया कार्यक्रम 10 नवम्बर से और 18 दिसंबर तक ये चला है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो 11-11 की टीमें हर गांव में भेजी, सूची पहले बन गई थी लाभार्थियों की, उनको दी गई और 1,39,00,000 महिलाओं के साथ संवाद हुआ है इन टोलियों का, और उन्होंने उनका जो फीडबैक है, जो उनके साथ संवाद हुआ उसकी जानकारी हम लोगों को जिला अधिकारियों को दी है। वो अब हम सब मंगा के ऑनलाइन उसका हम डिटेल बनाएंगे। बट मैं समझती हूँ महिलाओं की आवाज़ को इतनी बुलंदी से सुनना, इतने सुयोजित ढंग से सुनने का प्रयास पहली बार किसी सरकार ने किया है और ये जो डोर स्टेप पे जाकर पूछा गया है ये अनूठा है। तो इससे हम बड़े प्रसन्न हैं इसकी सफलता से और इसको और आगे बढ़ाना है। जो सुझाव लोगों के आए होंगे उनके आधार पर और नया क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इस पर विचार। मैम, इसके लिए ग्राउंड रिपोर्ट पे कोई एक मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा जिसपे जिले स्तर पर रिपोर्टिंग हो, जिससे आउटपुट मिल सके कि क्या जिले में। तो देखिए, जिले में तुम्हारे DPOs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी अफसर, और साथ ही साथ DM इसके नोडल होते हैं, वो लोग बना रहे हैं रिपोर्ट्स। बहुत जल्दी हमको रिपोर्ट्स मिलेंगी क्योंकि सब विभाग इसमें जुड़े थे, रिपोर्ट्स मिलेंगी उसके बेसिस पर हम इसको और अच्छा बनाएंगे। धन्यवाद। ये थी रीता बहुगुणा जोशी, महिला कल्याण मंत्री, जिन्होंने बताया कि ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे दूत पूरे प्रदेश में दौड़ चुके हैं और उनकी रिपोर्ट पर जल्द ही कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ।